जे सिस्टर का नाम मनदीप कौर है और जे अमृतसर वाला गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की बहुत ही अद्भुत गवाही है और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि आज से कुछ दिन पहले इनकी जे बेटी की मैरिज थी, जब इन्होंने शादी रखी तो इनके पास सिर्फ 40,000 रुपया था और इन्होंने बताया कि सबसे पहला स्थान इन्होंने परमेश्वर का आदर किया, उन्होंने अपने घर में संगति रखी और जिसके लिए इन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया और इन्होंने बताया कि जब इन्होंने संगति रखी और जो 40,000 था उससे ही परमेश्वर की संगति का अरेंजमेंट किया, सारा इंतजाम किया और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर की संगति की, मजीशियन के साथ परमेश्वर की संगति को अपने घर में करवाया और जो सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने संगति रखी और उसके बाद परमेश्वर ने इनको इतना ब्लेस किया, इन्होंने बताया कि जो शादी हुई थी और उसका जो भी जितना भी इनको पैसों की जरूरत थी उससे भी इनकी 100 से भी बढ़कर इन्होंने बताया कि परमेश्वर ने 2 लाख रुपया इनकी बेटी की शादी पर खर्च हुआ जो कि परमेश्वर ने अरेंज किया और इन्होंने बताया कि जो बहुत खुश हुए कि जो परमेश्वर ने इनकी सोच भी नहीं थी कि इतना हो जाएगा और इन्होंने बताया कि पता नहीं जिन लोगों से लेने थे उन्होंने भी इनको दे दिए और जो बताते हैं कि जैसे हर एक के मन की इच्छा होती है हर एक के माता पिता की कि अपने बच्चों को कुछ सामान दे, तो इनकी भी चाहत थी कि जो अपनी बेटी को कुछ सामान देना चाहते थे और जितना इन्होंने सोचा उसका अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया और इनकी मन की चाहत थी कि जो एक LED भी लेना चाहते थे और जो सिस्टर ने बताया कि जिस घर में जो अपने किसी के घर का काम करते थे उनसे इन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें हम आपको आपके लिए करेंगे और जैसे जे भी सिस्टर किसी के घर का काम करती थी और इसने भी उनसे बात की पर उन्होंने उस समय मना कर दिया और उन्होंने बोला कि जितना होगा हम करेंगे और जैसे कुछ दिन पहले इन जे सिस्टर ने जब बात की उन्होंने भी रात खुद इनके घर में LED दे गए और जो सिस्टर जी जिनके घर में इनकी बेटी काम करती थी प्लस वो भी इनके घर में LED दे गए और इन्होंने बताया कि परमेश्वर ने हमें 2 LED के साथ ब्लेस किया और जितना इन्होंने सोचा भी नहीं था परमेश्वर ने इनकी सोच से भी बढ़कर परमेश्वर ने अरेंज किया। जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनकी बेटी की शादी को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। इस गवाही के लिए जब परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हम तारीफ सब करो, तारीफ करो, तारीफ करो, सुनो खुशी में, सुनो सुनो सुनो। अभी जिसके पास बहुत पैसा है लोग तो बहुत लाखों भी क्या खर्च देते हैं शादी में, 10 लाख तक 50 लाख तक भी संसार में खर्च देते हैं, पर ये बात वो है जो परमेश्वर ने कही कि मैंने जगत के निर्बलों को कंगालों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं अपनी महिमा के लिए। बोलो क्या है, मैंने जगत के निर्बलों को कंगालों को चुन लिया जो कुछ भी नहीं है, ये बात ये है। बोलो क्या है, ये देखो ये सिस्टर आपने ये तो बताया नहीं है कि इनका हस्बैंड नहीं है, इनका पति नहीं, इनके पति की डेथ हुए 10 साल ना, हाँ कितने 9 साल हो गए, 9 साल हो गए जब इनकी हस्बैंड की डेथ हुई तो तब तो ये बच्चे छोटे थे, ये सबसे बड़ी बेटी है जब जिसकी शादी की है, तो तब 9 साल पहले बच्चे छोटे थे, जो इससे छोटे वो और भी छोटे थे, क्या थी, पर इसने अपना मन अपना सांस हां किस पर रखा। आपको कितना टाइम हो गया प्रभु में आई, 4 साल हो गए है ना, तो 4 साल अभी हो गए, पहले तो नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, पर 4 साल में खुदा ने इन पर अपना बहुत अनुग्रह किया है, बहुत क्या किया है मुझे पता है, मैंने देखा है। और देखो पास इनके सिर्फ 40,000 है और खर्चा कितना हो रहा है 2 लाख का, और बिल्कुल भी चिंता नहीं की। आपने चिंता की थी कहां से आएंगे, कि विश्वास रखा कि परमेश्वर करेगा, विश्वास रखा था पापा। हाँ, और सुनो उसी 40,000 से ये नहीं सोचा कि हमारे पास तो पहले कम है, उसी 40,000 में इन्होंने अपने घर इस बेटी की शादी के लिए सबसे पहले आदर परमेश्वर को दिया, साउंड मजिशनों सब अरेंज किया 40,000 रुपए के अंदर ही, उसी से खर्चा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं ना, पहला स्थान आपको बता नहीं, परमेश्वर इंतजामी खुदा और क्या कर सकता है, जो इन्होंने काम किया, क्या किया समझ आ रही है,
अब देखो 2 लाख रुपया खर्च हुआ और सोच से भी ज्यादा हुआ। अब कुछ चीजें माता पिता की खुशी होती है अपने बच्चों के लिए वो दी, पर इनकी चाहती एलसीडी भी दे, पर यहां पे ये मेहनत करते हैं, घरों का काम करते हैं, ये भी और इनकी बेटी भी, समझे हो। और उनसे इन्होंने बोला था तो क्या बोला था, पहले तो वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, हाँ तो पहले वो इनके घर लेकर आए, फिर बेटी जहां पे करती थी तो उन्होंने तो पहले तो मना कर दिया नहीं, फिर देखो वो भी अपने आप उस एलसीडी को इनके घर छोड़ने के लिए खुद आए, क्या है खुद छोड़ने के लिए आए। सच में जो वचन में लिखा है अफिसियों 3:20 में कि परमेश्वर जहां समर्थी है जो हम सोचते मांगते उससे भी कई गुना ज्यादा करता है, जैसे इनके लिए भी। तो क्या इनके लिए करेगा कि सबके लिए करेगा, सिर्फ इनके लिए करेगा कि सबके लिए करेगा, सबके लिए करेगा, क्यों जी, क्योंकि हमारा सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है कि अलग अलग है। अगर इसके साथ उसने ऐसा किया तो सबके साथ करेगा, क्या करेगा सबके साथ। आप कुछ कहना चाहते हो, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो, कुछ बताओ। तो ठीक है, परमेश्वर जी का धन्यवाद करती हूँ इस गल लई, सब तो पहला इस गल लई धन्यवाद करांगे कि जिन्हों सब तो पहला ये कि परमेश्वर ने तुहानू और मैनू बनाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि परमेश्वर ने बहुत यही नहीं कि यही काम जब भी परमेश्वर के बीच मैं जुड़ी, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत मेरे नाल काम किए कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे नाल होएगे, कि इतों तक परमेश्वर जी ने मैंने दिता कि मेरे माइंड के कभी जिदा पापा जी बोलते हैं ना कि कभी सोचा भी नहीं तुम्हें मंगया भी नहीं होगा कुछ, कोई भी यह नहीं कि मैं मंगया कुछ भी नहीं, मैं मंगया कि परमेश्वर मेरे लिए आ दो मैनू आ दो, सिर्फ विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरे लिए तुम सब कुछ कर चुके हो, तो सब कुछ परमेश्वर कहता कि मैं सब कुछ सब कुछ ही आ जाता है ना। तो परमेश्वर ने यही बोला कि परमेश्वर तुम मेरे लिए सब कुछ, जब मैं कमरे पाए तो उदो भी मेरे को सिर्फ 15,000 रुपया था। हाँ? सच में प्रभु में आने का और उस पर विश्वास करने का कितना, 15,000 से कभी घर बनते, जाकर देखना इनका घर कितना अच्छा है। जब मैं कमरे पाए उदू ही 15,000 था, और जब फिर मैं दोबारा पाए परमेश्वर ने बहुत वधिया अरेंज किया और दोनों ही कमरे पै गए, और बाद विच अगे मैं बरांडा छत्या सी उदो भी मेरे को 15,000 सा, 40,000 की मैं चर्च में कमेटी पाई थी, 60,000 की वो भी मेरे को खर्च हो गई, सिर्फ मेरे को 15,000 बचा था, पर परमेश्वर ने बोल पहले तो मन में आया कि इन्ने ना हो जाएगा, पर फिर मैंने याद आया वचन के परमेश्वर कहता कि जो तू उदो इन्ने काम किए कि इन्ने पैसा घट भी तो यह भी तेरा रेंज होएगा। मैं उही बोलिया कि परमेश्वर मैनू नहीं पता कि होना परमेश्वर तू कर चुका है, मेरा परमेश्वर तू ही है, सब कुछ तू ही है मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती है, तेरा धन्यवाद करती इस गवाही ली परमेश्वर, तू मेरे लिए सब इंतजाम किए परमेश्वर, पिता परमेश्वर जी मैं तेरा लखा ते हजारा वारी धन्यवाद करती हाँ, मेरे को लफ्ज नहीं इस बोलने लई कि मैं तुहानू किस तरह धन्यवाद कर सका परमेश्वर, इन्ने के मेरे जीवन दे विच इन्ने मेरे धन्यवाद परमेश्वर जी। ये थोड़ा मुझे बताओ, थोड़ा लोगों को बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ है, इतने कम पैसों से इतना सारा कुछ कैसे हो रहा है, बताओ इसका नियम बताओ क्या है, इसका कारण तो बताओ। कारण ये कि परमेश्वर जो है ना वचन दे विच लिखा कि खराई दे नाल चलो और सार हर एक बीज नू बो है ना, तो मैं इस चाहे मेरे कोल बचदा ही चाहे नहीं बचदा ही कर मैं परमेश्वर लई करदी हां कि परमेश्वर मैं ताडे लई करांगी, चाहे मेरे कोल कुछ रवे जां ना रहे पर परमेश्वर जी ने पहल दी ते हर काम मेरे सफल होए। तारीफ करो, देखो ये, देखो ये सच्चा प्रेम है, बोलो क्या है, क्योंकि परमेश्वर आज्ञाओं का और नियमों का परमेश्वर है, और आज्ञाओं और नियमों के बाहर वो कुछ भी करता है, बोलो करता है। कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं, बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास पे ईमान की है, उसके साथ चलने की है, उसके वचन को उसकी बात को पूरा करने की है। हमें कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं इस तरह सियास से उसके वचन को उसकी बात को पूरा करने के लिए, ताकि ऐसे ही परमेश्वर मुझे भी बढ़ाए और आशीष दे, क्या दे, कितने लोग तैयार हैं। अब देखो शुरू से सिर्फ 4 सालों में इतना कुछ, अब बेटी की शादी 40,000 और इतना खुदा ने सब कुछ अच्छा किया, ये तारीफ छोटी नहीं है, किसी की खुशी हमारी खुशी है। कितने लोग इनकी खुशी के लिए नाचकर क्या करना चाहते हैं,
चाहते हो। पापा ही लोग पूछते हैं कि इन्हें को पैसे कितने होंगे, मैं क्या मेरा खुदा बंद खुदा मैंने देंदा, मेरा इंतजामी खुदा मेरे नाला, मैंने किसी भी चीज की कोई कट नहीं हो सकती। सच में उसने वचन में कहा ना, जवान सियों को घटी हो सकती है पर मेरे तालीब जो मेरे खोची उन्हें कोई भी घटी नहीं हो सकती। आमीन 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 आमीन। चलो इनकी खुशी में हम भी दो मिनट खुशी मना। कोर विचो में नु यीशु ने बुला लिया, कोर विचो में नु यीशु ने बुला लिया, पूरे अपने जी में नु यीशु ने बुला लिया, पूरे अपने जी में नु यीशु ने बुला लिया, अति कोर विचो में नु यीशु ने बुला लिया, अति कोर विचो में नु यीशु ने बुला लिया, पूरे अपने जी में नु यीशु ने बुला लिया, पूरे अपने जी में नु यीशु ने बुला लिया। हर दिन मेरे शाम रोशनी है के नचिने नु दिल कर दा। हालेलुया। हर दिन मेरा शाम रोशनी है के नचिने नु दिल कर दा, के नचिने नु दिल कर दा, के नचिने नु दिल कर दा। हालेलुया। के नचिने नु दिल कर दा, के नचिने नु दिल कर दा। आमीन आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।